दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पांडा के बारे में। ना 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 ना, ये वाला पांडा नहीं, ये वाला पांडा। ये पांडा गोल्डफिश सिलेक्टिवली ब्रीड किए गए थे चाइना में लेट 1500s में। पांडास की तरह ही ये पांडा गोल्डफिश भी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, और एक्चुअली इनका ब्रीड करने का आइडिया भी पांडा से ही लिया गया है। इसलिए दो स्पेसिफिक टाइप की गोल्डफिश को ब्रीड किया गया और ये ब्लैक एंड व्हाइट कलरेशन मिला। पांडा गोल्डफिश को रखने के लिए मिनिमम 2 फीट का एक्वेरियम होना चाहिए। मैं सजेस्ट करूंगी 2 से ज़्यादा, लेकिन 2 का तो होना ही चाहिए दोस्त। और टेम्परेचर ये प्रेफर करते हैं 20 से लेकर 26 डिग्री। एक स्ट्रॉन्ग लेकिन जेंटल फिल्ट्रेशन सिस्टम भी ज़रूरी है ताकि पानी हमेशा ऑक्सीजन रिच और फ्रेश रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो फॉलो कर लो।